फिल्म की शुरुआत नेटो कमांड सेंटर एक वेपन मास्टर जेम्स से होती है, जिसकी कंपनी ने ऐसी खतरनाक हथियार तैयार की जो दुश्मनों के किसी भी हथियार को चुटकियों में निगल सकता है और एक बार एक्टिवेट करने पर उन्हें सिर्फ किल स्विच की मदद से रोका जा सकता है। जाहिर तौर पर नेटो हथियार से खुश वो 4 वॉरहेड्स का ऑर्डर देते हैं, जिसे दुनिया की सबसे सक्षम मिलिट्री टीम इक्विप विद सबसे आधुनिक हथियार वॉरहेड्स को डिलीवर करने का टास्क दिया जाता है, लेड बाय ड्यूक और उसका दोस्त रिपकॉर्ड। पर सफर के बीच में ही एक अननोन एयरक्राफ्ट जो रडार पर डिटेक्ट नहीं हुआ अपने इलेक्ट्रॉनिक गन से नेटो के एयरक्राफ्ट को एक ही वार में कबाड़ में बदल देता है। दुश्मन का एयरक्राफ्ट इतना एडवांस होता है कि कोई भी गन या मिसाइल्स उसे छू नहीं पाती। नेटो के सोल्जर्स को बचाव तक का मौका नहीं मिलता। वो एयरक्राफ्ट एक एक करके सारे कॉन्वॉय को मलबे में बदल देता है, जिसमें ड्यूक का भी कॉन्वॉय क्रैश हो जाता है। दुश्मनों की सेना भी उतनी ही एडवांस, उनका सूट नॉन पेनेट्रेबल, उनकी एक ही फायर से पूरी की पूरी टैंक के चीतड़े उड़ जाते हैं। पर ड्यूक उनमें से एक को पहचान जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स फियोंसी एना है। इससे पहले कि वो वॉरहेड्स लेकर भागे, आप दूसरी सेना लेड बाय स्कारलेट, स्नेक आइस, ब्रेकर और हैवी ड्यूटी दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं और अंत में उन्हें खाली हाथ भागने पर मजबूर कर देते हैं। ड्यूक एकदम पजल कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, इसलिए उसे समझाने के लिए वो दोनों को टॉप सीक्रेट फैसिलिटी रेगिस्तान के नीचे छिपे जिया जो कमांड सेंटर ले जाते हैं, जिससे अब दोनों को क्लियर होता है कि जिया जो दरअसल एक क्लासिफाइड टीम है जिसे कई देशों के साथ मिलकर बनाया गया उन मुश्किलों का सामना करने के लिए जिसे साधारण मिलिट्री हैंडल नहीं कर सकते। इक्विप विद दुनिया के सबसे खतरनाक मिलिट्री यूनिट और ऐसे एडवांस हथियार जो किसी ने देखी ना हो, जिन्हें जनरल हॉक लीड करते हैं। पर जेम्स को हमले का खबर मिलने पर वो वॉरहेड्स को पर्सनली होलोग्राम के थ्रू वेरीफाई करता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। पर कुछ देर बाद ऑडियंस को क्लियर होता है कि जेम्स ही उन हमले के पीछे था, जो नेटो के पैसों से वॉरहेड तैयार करके उनसे ही चुरा कर दुश्मनों को बेचकर एक महायुद्ध को अंजाम देने के पीछे। उनका ग्रुप कॉल्ड द ब्लैक कोबरा वो डॉक्टर की सेम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी सेना कॉल्ड न्यू वाइपर्स तैयार करने के पीछे जो किसी भी तरह का दर्द नहीं महसूस कर सकते, जिसमें से एक ऑलरेडी सीक्रेटली व्हाइट हाउस में डिप्लॉयड है। वहीं जेम्स ने सीक्रेटली केस का ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिवेट कर दिया था ताकि जीआई जो के सीक्रेट लोकेशन का पता चल सके, पर इस बार वो फेल ना हो इसलिए बैरोनस के साथ अपने सबसे सफल सोल्जर स्टॉर्म शैडो और जैटन को भी जीआई जो के नजरों से वॉरहेड गायब करने का टास्क असाइन करता है। वहीं यार डूक उन्हें बैरोनस के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है अगर वो उन्हें उनकी टीम में शामिल करे तो। जनरल इस बात पर मान जाते हैं अगर वो उनके कठिन ट्रेनिंग्स पास कर सके, और इस तरह दोनों दिन रात लगा देते उनके हर ट्रेनिंग में अव्वल आने के लिए। जिसके बाद ड्यूक जनरल को बैरोनस एके एना के बारे में रिवील करता है कि वो दोनों कभी एंगेज थे, पर उसका भाई खुद भी एक मिलिट्री मैन, एक विस्फोट में जान गंवाने के बाद वो अपना चेहरा एना को नहीं दिखा सका क्योंकि उसने उसकी रक्षा करने का उसे वचन दिया था, इसलिए शायद अब वो उसके अगेंस्ट हो गई। पर ड्यूक को ये खबर नहीं कि एना ने फ्रांस के सबसे रिचेस्ट साइंटिस्ट से शादी कर ली जो पार्टिकल एक्सीलरेटर एक्सपेरिमेंट पर काम करता है। वहीं यहाँ जीआई जोस एकदम बेखबर ब्लैक कोबरा जमीन से होते हुए उनके कमांड सेंटर में घुस जाते हैं और बिना किसी को पता लगे जनरल को घायल करके उससे केस हासिल कर लेते हैं। पर तब तक जनरल सभी को अलर्ट कर देते हैं और अब जीआई जोस उन्हें हर तरह से रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनकी पूरी सेना भी उन्हें रोक नहीं पाती और अंत में वो उनके ही नाक के नीचे से केस चुरा कर भाग निकलते हैं। जिसके तुरंत बाद ऑडियंस को दिखाया जाता है कि आखिर क्यों स्नेक आइज और स्टॉर्म शैडो के बीच इतनी कट्टर दुश्मनी है। दरअसल बचपन में स्नेक आइज अनाथ एक समय पेट के लिए चोरी करते वक्त स्टॉर्म शैडो के हाथों पकड़े जाने पर उसने उसे चोर समझकर सबक सिखाने की कोशिश की, पर स्नेक आइज एक स्ट्रीट फाइटर वो उस पर भारी पड़ गया। ऊपर से मास्टर स्नेक आइज की काबिलियत से खुश होकर उसे अपने यहाँ ट्रेनिंग दी जो हर तरह से मास्टर के आंखों में स्टॉर्म शैडो से भी ज्यादा काबिल निकला। और फिर एक दिन स्नेक आइज ने अपने मास्टर को मरा हुआ पाया और उसी दौरान स्टॉर्म शैडो को भी भागते देखा। अब वॉरहेड हासिल करने के बाद जेम्स पहला टेस्ट आजमाने के लिए आईफिल टावर को चुनता है। वहीं जीआई जोस पता लगा लेते हैं कि इन सब के पीछे जेम्स ही है, जिस तरह उसके केस को ओपन करने के बाद ही दुश्मनों को उनके अड्डे का पता चला। वहीं बैरोनस की जानकारी निकालने के बाद वो ये भी गुत्थी को सुलझा लेते कि बैरोनस ने पार्टिकल एक्सीलरेटर के साइंटिस्ट से इसलिए शादी की ताकि वो पार्टिकल एक्सीलरेटर मशीन की मदद से वॉरहेड को आर्म कर सके, पर इससे पहले कि वो ब्लैक कोबरा को रोक सके वो तब तक बैरोनस के पति को गन के नोक पर धरकर वॉरहेड्स को आर्म करके आखिर में स्टॉर्म शैडो उसी के पति की जान ले लेता है। और अब जीआई जोस के पहुंचते ही दोनों के बीच कैट एंड माउस का खेल शुरू हो जाता है। ब्लैक कोबरा को रोकने के पीछे दोनों ने पूरे शहर में कहर मचा दिया होता है। ड्यूक, रिपर्ड और स्नेक आइस मिलकर भी काफी देर तक रोक नहीं पाते और ब्लैक कोबरा का हमारे ट्रामवे को बुरी तरह से टकरा
लगाने पर भी वो सभी बच जाते हैं और मौका मिलते ही आईफिल टावर को निशाना बनाते हैं, जिससे अब नैनोमाइट्स लोहे की इमारत को निगलने लगते हैं और वो बुरी तरह से कमजोर पड़ते पड़ते आखिर में डह जाता है। इससे पहले कि पूरा शहर नैनोमाइट्स की चपेट में आ जाए, ड्यूक सही समय पर उनके एयरक्राफ्ट पर कूद कर किल स्विच को दबा देता है, पर इससे वो उनके हत्थे चढ़ जाता है जो उसे अगवा करके अपने मिलिट्री बेस ले जाते हैं। पर ड्यूक को पीटता देख एना को ड्यूक के साथ की पुरानी यादें ताजा होने लगती है, जिससे अब ऑडियंस को क्लू मिलता है कि एना को भी डॉक्टर ने अपने नैनोमाइट्स की मदद से कंट्रोल में रखा है। वहीं आप ब्रेकर अपने हाईटेक डिवाइस की मदद से ब्लैक कोबरा के एक मरते नियो वेनम सोल्जर के ब्रेन सिग्नल को रीड करके उनके मिलिट्री बेस लोकेशन का पता लगा लेता है। और अब जीआई जोस तुरंत अपनी सेना तैयार करके पोलर आइस कैप के नीचे छिपे दुश्मन के मिलिट्री बेस को खोज निकालते हैं चारों सतह से कमांड सेंटर में प्रवेश करने का, तो बाकी नीचे से ही दुश्मनों को घेरने का तय करते हैं। वहीं ब्लैक कोबरा के चंगुल में जेम्स ड्यूक को रिवील करता है कि उसका प्लान वॉरहेड्स को मिसाइल्स पर माउंट करके दुनिया के सबसे बड़े कैपिटल्स बीजिंग, मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी को टारगेट करने का है। लाखों में लोगों की जान जाने पर लोगों के मन में डर पैदा होगा और फिर सभी एक के पास सहारे के लिए जाएंगे और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट। पर इस बात से उसका क्या कहने का मतलब था वो हमें आगे के सीक्वल में पता चलेगा। यहाँ चारों गार्ड्स को रास्ते से हटाकर एंट्रेंस को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वहीं डॉक्टर ड्यूक को पपेट में बदलने से पहले वो एक बड़ा क्लाइमेक्स रिवील करता है कि वो दरअसल एना का भाई है, जो उस दौरान विस्फोट से पहले उसे डॉक्टर माइंड बेंडर वर्किंग फॉर्म जेम्स से ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला जो अपने समय से काफी आगे की खोज थी। उनकी इन्वेंशन से सम्मोहित होने के बाद उनके बंकर में होने के कारण वो ऑलमोस्ट विस्फोट से सर्वाइव कर गए, जिसके बाद डॉक्टर माइंडर ने उसे हील करके अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सिखाया, जिसे उसने आगे जाके परफेक्ट किया और तब से वो जेम्स के लिए काम कर रहा है। अपने मौत को सीक्रेट बनाए रखे उसके जाने के दर्द में अपनी बहन को दर्द से मुक्त करने के लिए उसे भी अपने पपेट में बदल दिया। पर इससे पहले कि ड्यूक भी डॉक्टर का शिकार बने, एना किसी तरह डॉक्टर के कंट्रोल से छूटकर ड्यूक को बचा लेती है, जिसके हड़बड़ी में जेम्स फायर कर बैठता है पर उसी को सीवियर चोट लग जाने के कारण वो दोनों भी भाग पड़ते हैं। पर सबसे बुरी खबर ये कि तीनों भी मिसाइल टारगेट के तरफ निकल चुके होते हैं। ब्रेकर जटिलता दिखाते हुए उनमें से एक को मार गिराता है और रिपकॉर्ड भी नजदीक के जेट में सवार होकर बाकी दो मिसाइल्स को हंट करने के लिए निकल पड़ता है। व्हाइट हाउस में मिसाइल की खबर पहुंचने पर प्रेसिडेंट को तुरंत बंकर में छिपा दिया जाता है, पर वो इस बात से बेखबर है कि उनमें से एक डॉक्टर का पपेट सभी को ढेर करके प्रेसिडेंट को अपने कब्जे में ले लेता है। और तभी प्रेसिडेंट किसी को देखकर एकदम हैरान नजर आते हैं, जो कौन है हमें सीक्वल में पता चलेगा। दूसरी तरफ तीनों एलिवेटर के रास्ते चुपचाप कमांड सेंटर में घुस आते हैं। कंट्रोल रूम को हाईजैक करने के बाद ब्रेकर रिपकोर्ट को गाइड करता है मिसाइल्स को हंट करने में। रिपकोर्ट बिना समय गवाए मॉस्को की तरफ बढ़ता मिसाइल को मार गिराता है, पर यूएस के लिए बढ़ता मिसाइल गिराने में उसे बहुत मुश्किल होती है। सबकी जान उसी पर टिकी मिसाइल व्हाइट हाउस को हिट करने ही वाला होता है कि रिपकोर्ट सही समय पर उसे नष्ट कर देता है, पर अब सारे नैनोमाइट्स उसके जेट पर पड़ जाते हैं। गलती से भी शहर नैनोमाइट्स के चपेट में ना आए इसलिए रिपकोर्ट उन्हें एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाकर नष्ट कर देता है और खुद भी सही समय पर इजेक्ट करके बच निकलता है। वहीं यहाँ जनरल की सेना दुश्मनों पर टूट पड़ती है, दोनों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है, पर दुश्मनों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन जीआई जोस की सेना पर भारी पड़ने लगता है, इसलिए स्नेक आई कैनन के कंट्रोल यूनिट को शटडाउन करने की कोशिश करता है, पर स्टॉर्म शैडो बीच में कूद पड़ता है और अब दोनों में जानलेवा लड़ाई छिड़ जाती है। पर स्टॉर्म शैडो चाहे जितना भी कोशिश कर ले स्नेक आई को मात देने की, वो इस बार भी उसके सामने कमजोर पड़ जाता है और अंत में उसके ही हाथों मारा भी जाता है। पर वहीं अब ब्लैक कोबरा का बेस ढहने लगता है, इसलिए डॉक्टर जेम्स को लेकर भाग निकलते हैं और ड्यूक भी अटैक सबमरीन में एना के साथ उनके पीछे लग जाता है। पर तिल मिलाया डॉक्टर सभी को एक ही वार में खत्म करने के लिए आइस पैक को उड़ाने का आदेश दे देता है, इससे पहले कि वो सभी विशाल बर्फ के चट्टान में छिपे टनल पाइप्स में दबकर मारे जाए। सभी सही समय पर उल्टे पैर निकल आते हैं। अब डॉक्टर इस उम्मीद में कि वो अब सेफ है, घायल जेम्स को हील करने के लिए वो अपना नया एक्सपेरिमेंट जेम्स पर आजमाता है, जो भयंकर दर्द के बाद उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से डेस्ट्रो में बदल जाता है और अब डॉक्टर उसे भी कंट्रोल कर सकता है और अब खुद को ब्लैक कोबरा का कमांडर घोषित करता है। पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जीआई जो की विशाल सेना उसे घेर लेते हैं और उसे किसी सीक्रेट फैसिलिटी में हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। कुछ दिन बाद एना को जेल हो जाती है, फिर चाहे उसने अनजाने में ही दुश्मनों का साथ दिया, और मूवी के एंड में जीआई जो किसी भी नए चुनौती का डट कर सामना करने का कसम के साथ खत्म हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिल
मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।